हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल बीट द नीट। कैसे हैं आप सब लोग, कैसी आपकी तैयारी चल रही है? आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 14 की पारितंत्र इकोलॉजी का सेकंड चैप्टर है जो आपकी क्लास 12th का, उसकी ऑडियो बुक कम्प्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही ऑडियो बुक इस चैप्टर के लिए बने। सो जस्ट स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि ऑडियो बुक्स आपकी रिवीजन में, आपके पढ़ने में हेल्प करती हैं तो इनको लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी चैप्टर्स की भी धीरे धीरे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। जिन्होंने अभी प्रीवियस जो चैप्टर्स मैंने हिंदी के रिकॉर्ड किए हुए हैं वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके सारे लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप जाकर के उन ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप अगर इंग्लिश ऑडियो बुक सुनते हैं तो वो भी अवेलेबल है, केमिस्ट्री की भी अवेलेबल है, फिजिक्स मैं बना रही हूँ, और बायोलॉजी की भी आपके लिए अवेलेबल है। और मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी बुक है जिसकी ऑडियो बुक आपको लगता है कि अगर इसकी ऑडियो बुक हमें मिल जाए तो हमारी तैयारी और अच्छी हो जाएगी, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं उसकी भी आपके लिए बना दूंगी। सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं जल्दी से अध्याय 14 पारितंत्र। पारितंत्र को प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जाता है, जहां पर जीवधारी आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। पारितंत्र का आकार एक छोटे से तालाब से लेकर एक विशाल जंगल या महासागर तक हो सकता है। कई पारिस्थितिकी वैज्ञानिक संपूर्ण जीव मंडल को विश्व यानी ग्लोबी पारितंत्र के, यानी कि ग्लोबल इकोसिस्टम के रूप में देखते हैं, जिसमें पृथ्वी के सभी स्थानीय पारितंत्र समाहित होते हैं। चूंकि यह तंत्र बहुत विशाल एवं जटिल है, अतः अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे दो आधारभूत श्रेणियों में, मुख्यतः स्थलीय एवं जलीय में बांटा गया है। जंगल, घास के मैदान तथा मरुस्थल आदि कुछ स्थलीय पारितंत्र तथा झीलें, तालाब, दलदली क्षेत्र, नदियाँ एवं ज्वार, नदमुख आदि कुछ जलीय पारितंत्र के उदाहरण हैं। मानव निर्मित पारितंत्र के रूप में शस्य भूमि एवं जल जीव शाला को माना जा सकता है। हम सबसे पहले पारितंत्र की संरचना को देखेंगे ताकि निवेश यानी कि उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, ऊर्जा का स्थानांतरण, आहार श्रृंखला, जाल यानी कि आपकी फूड चेन एंड फूड वेब, पोषण चक्र तथा निर्गम निम्नीकरण एवं ऊर्जा क्षति का अवगमन अवबोध कर सकें। इसके साथ ही हम चक्रों, श्रृंखलाओं, जाल तंत्रों के संबंध को भी देखेंगे जो कि तंत्र के अंतर्गत प्रभावित इन ऊर्जाओं के परिणाम स्वरूप पैदा हुए हैं। 14.1 पारितंत्र संरचना एवं क्रियाशीलता। अध्याय 13 में आपने पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें दोनों जैविक एवं अजैविक घटक शामिल हैं। आपने पढ़ा है कि किस प्रकार से जैविक एवं अजैविक घटक व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को तथा अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं। आइए अब इन घटकों को और अधिक समेकित रूप से देखें तथा यह जानें कि पारितंत्र के इन घटकों के अंतर्गत ऊर्जा प्रवाह कैसे संपन्न होता है। जैविक एवं अजैविक घटकों की परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप एक भौतिक संरचना विकसित होती है जो प्रत्येक प्रकार के पारितंत्र की विशिष्टता है। एक पारितंत्र की पादप एवं प्राणी प्रजातियों की पहचान एवं गणना इसकी प्रजातियों के संगठन यानी कंपोजिशन को प्रकट करता है। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं। उदाहरणार्थ एक जंगल में वृक्ष सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर स्तर है, झाड़ियाँ द्वितीयक स्तर है तथा जड़ी बूटियाँ एवं घास निचले धरातलीय स्तर पर निवास करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत सारे घटक एक इकाई के रूप में तब क्रियाशील दिखते हैं जब आप निम्न पहलुओं पर दृष्टि डालते हैं: उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह और पोषण चक्र। एक जलीय पारितंत्र के गुणधर्म प्रकृति को समझने के लिए आइए एक छोटे तालाब का उदाहरण स्वरूप लेते हैं। यह एक औचित्यपूर्ण, स्वपोषी और अपेक्षित रूप से सरल उदाहरण है जो हमें एक जलीय पारितंत्र में यहाँ तक कि जटिल पारस्परिकता को समझने में सहायक है। एक तालाब उथले पानी वाला एक जल निकाय है जिसमें एक पारितंत्र की सभी मूलभूत घटक बेहतर ढंग से प्रदर्शित होते हैं। पानी एक अजैविक घटक है जिसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व तथा प्रचुर मात्रा में निक्षेप तालाब की तली में जमा होते हैं। सौर निवेश, ताप का चक्र, दिन की अवधि यानी लंबाई तथा अन्य जलवायवीय परिस्थितियाँ समूचे तालाब की क्रियाशीलता को की दर को नियमित करते हैं। स्वपोषी घटक जैसे पादप, लवक, कुछ काई शैवाल तथा प्लवक एवं निम्नगण तथा किनारों पर सीमांत पादप तालाब के किनारों पर पाए जाते हैं। उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व प्राणी प्लवक तथा स्वतंत्र प्लवी एवं तलीयवासी जीव स्वरूपों द्वारा पारितंत्र किया जाता है। अब घटक के उदाहरण कवक
एवं जीवाणु हैं जो विशेष रूप से तालाब की तली में प्रचुरता से पाए जाते हैं। यह तंत्र किसी भी पारितंत्र और कुल मिलाकर जीव मंडल की सभी प्रक्रियाओं को निष्पादित करते हैं, अर्थात स्वपोषियों द्वारा सूर्य की विकिरण ऊर्जा के उपभोग से अकार्बनिक तत्वों को कार्बनिक तत्वों में बदलना, विभिन्न स्तरों के परिपोषितों द्वारा स्वपोषकों का भक्षण, मृत जीवों की सामग्रियों का अपघटन एवं खनिजीकरण कर स्वपोषकों के लिए मुक्त करना इस घटना की पुनरावृत्ति के बराबर होती रहती है। ऊर्जा की एक दिशीय गतिशीलता उच्च पोषी स्तरों की ओर तथा पर्यावरण में इसका अपव्यय और ऊष्मा के रूप में हानि होती है। 14.2 उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी। किसी भी पारितंत्र की क्रियाशीलता एवं उसके स्थायी रहने के लिए सौर ऊर्जा के निरंतर निवेश की आधारभूत आवश्यकता है। प्राथमिक उत्पादन यानी कि प्राइमरी प्रोडक्शन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा है। इसे भार या ऊर्जा यानी कि किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैव मात्रा के उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। इसे किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसे विभिन्न पारितंत्रों की उत्पादकता की तुलना की जा सकती है। इसे सकल या कुल प्राथमिक उत्पादकता तथा नेट प्राथमिक उत्पादकता में विभाजित किया जा सकता है। एक पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर होती है। सकल प्राथमिक उत्पादकता की एक महत्वपूर्ण मात्रा पादपों में श्वसन द्वारा उपयोग की जाती है। यदि हम सकल प्राथमिक उत्पादकता से श्वसन के द्वारा हुई क्षति को घटा देते हैं तो हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्राप्त होती है यानी कि नेट प्राथमिक उत्पादकता। सो GPP-R=NPP। नेट प्राथमिक उत्पादकता परिपोषितों की खपत शाकभक्षी या अपघटक के रूप में के लिए उपलब्ध जैव मात्रा होती है। द्वितीय उत्पादकता को उपभोक्ताओं ने नए कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया है। प्राथमिक उत्पादकता एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करती है। यह विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारकों, पोषकों की उपलब्धता तथा पादपों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर भी निर्भर करती है। इसलिए यह विभिन्न प्रकार के पारितंत्रों में भिन्न भिन्न होती है। संपूर्ण जीव मंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्व यानी शुष्क भार के रूप में लगभग 170 बिलियन टन आका गया है। यद्यपि पृथ्वी के धरातल का लगभग 70% भाग समुद्रों द्वारा ढका हुआ है, फिर भी बावजूद इनकी उत्पादकता केवल 55 बिलियन टन है। शेष मात्रा भूमि पर उत्पन्न होती है। अपने शिक्षक के साथ महासागरों की निम्न उत्पादकता के प्रमुख कारणों के बारे में चर्चा कीजिए। 14.3 अपघटन। आपने शायद सुना होगा कि केचुओं को किसान के मित्र के रूप में संबोधित किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों खंडन करने के साथ साथ भूमि को भुरभुरा बनाने में मदद करते हैं। उसी प्रकार अपघटक जटिल कार्बनिक सामग्री को कार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पोषकों में खंडित करने में सहायता करते हैं और इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियां, छाल, फूल तथा प्राणियों के मृत अवशेष मलाद सहित अपरद यानी डेट्रिटस बनाते हैं जो कि अपघटन के लिए कच्चे पदार्थों का काम करते हैं। अपघटन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण खंडन, निक्षालन, अपचयन, ह्यूमस भवन यानी ह्यूमस का बनना, खनिजी भवन मिनरल्स का बनना है। यहाँ पर आप पूरी एक साइकिल देख सकते हैं। एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण, चलिए इसको देख लेते हैं। पहले मृदा में उगा वृक्ष एक हरी पत्ती जमीन पर गिरती है, फिर कुछ कीट अन्य जीवों द्वारा इसका भक्षण होता है, भोज्य पदार्थ एवं ऊर्जा खाद्य जाल में प्रवेश करती है, कुछ भोज्य पदार्थ रासायनिक क्रियाओं द्वारा मृदा में निक्षलित कर दिए जाते हैं, कुछ जो हैं पत्तियां आंशिक रूप से अपघटनों जैसे फंजाई बैक्टीरिया द्वारा उपभोग की जाती हैं, वे अपना रूप खोकर कचरे में बदल जाती हैं और फिर उसके बाद केचुए बैक्टीरिया मृदा चिंचड़ी एवं फंजाई द्वारा अपघटन होता है और फिर बाद में लास्ट में हमें कार्बनिक पदार्थ युक्त मृदा प्राप्त हो जाती है जिसे वापस से प्लांट यूज कर लेते हैं। अपरदाहारी जैसे कि केचुए अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं, इस प्रक्रिया को खंडन कहते हैं। निक्षालन प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलेय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदा संस्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। बैक्टीरियल एवं कवकीय एंजाइम्स अपरदों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं और इस क्रिया को अपचय कहते हैं।
यह समझना महत्वपूर्ण है कि उपर्युक्त अपघटन की समस्त प्रक्रियाएं अपरत पर समानांतर रूप से लगातार चलती रहती है, जैसा कि चित्र 14.1 में आपने देखा। ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया अपघटन के दौरान मृदा में संपन्न होती है। ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है, जिसे ह्यूमस कहते हैं, जो कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है और इसका अपघटन बहुत ही धीमी गति से चलता है। स्वभाव में कोलाइडल होने के कारण ये पोषक के भंडार का काम करता है। ह्यूमस पुनः कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा खंडित होता है, जो खनिजीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा अकार्बनिक पोषक तत्व उत्पन्न होते हैं, उन्हें मुक्त करता है। अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अपघटन की दर जल वायवीय घटकों तथा अपरत के रासायनिक संगठनों द्वारा निर्धारित होती है। एक विशिष्ट जल वायवीय परिस्थिति में यदि अपरत काइटिन तथा लिग्निन से भरपूर होता है, तब अपघटन दर धीमी होती है। यदि अपरत नाइट्रोजन तथा जल विलेय तत्व जैसे चीनी आदि से भरपूर होता है, तब यह तेज होती है। ताप एवं मृदा की नमी बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायवीय घटक है, जो मृदा के सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा अपघटन की गति को नियमित करते हैं। गर्म एवं आर्द्र पर्यावरण में अपघटन की गति तेज होती है, जबकि निम्न ताप एवं अवायु जीवन अपघटन की गति को धीमा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थों का भंडार जमा हो जाता है। 14.4 ऊर्जा प्रवाह। गहरे समुद्र के जल तापीय पारितंत्र को छोड़कर पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए एकमात्र ऊर्जा स्रोत सूर्य है। आपतित सौर विकिरण का 50% से कम भाग प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण में उपयुक्त होता है। हम जानते हैं कि पादप एवं प्रकाश संश्लेषण सूक्ष्म सक्षम जीवाणु यानी स्वपोषी सूर्य की विकृत ऊर्जा को सरल अकार्बनिक पदार्थों से आहार तैयार करने में लगाते हैं। पादप केवल 2-10% प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का ग्रहण करते हैं और यही आंशिक मात्रा की ऊर्जा संपूर्ण विश्व का संपोषण करती है। अतः यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पादपों द्वारा संग्रहण की गई सौर ऊर्जा का एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीवों के माध्यम से किस प्रकार प्रभावित होती है। पृथ्वी के सभी जीव आहार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। अतः आप पाएंगे कि सूर्य से उत्पादकों की ओर और फिर उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। क्या इसमें ऊष्मागतिक का प्रथम सिद्धांत निहित है? पारिस्थितिक तंत्र ऊष्मागतिक के दूसरे सिद्धांत से अवमुक्त नहीं है। उन्हें निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, ताकि वे अपेक्षित अणुओं को संश्लेषित कर बढ़ती हुई अव्यवस्थापन के प्रति सर्वव्यापी प्रवृत्ति से संघर्ष कर सकें। पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को उत्पादक कहा जाता है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में शाखी एवं काष्ठी पादप प्रमुख उत्पादक हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रजातियां जैसे पादप प्लवक, काई और बड़े पादप जलीय पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादक हैं। आपने खाद्य श्रृंखलाओं तथा जालों यानी वेब्स के बारे में पढ़ा है, जो कि प्रकृति में विद्यमान है। पादप या उत्पादक से प्रारंभ होकर खाद्य श्रृंखला या जाल इस प्रकार से बने होते हैं कि प्रत्येक प्राणी जो एक पादप के आहार ग्रहण करता है तथा अन्य प्राणी पर निर्भर करता है और बदले में वह किसी अन्य के लिए आहार बनाता है। इस परस्पर अंतर निर्भरता के कारण श्रृंखला जाल यानी कि फूड आपकी जो वेब है की रचना होती है, फूड चेन या फूड वेब बनता है। किसी भी जीव द्वारा आबद्ध ग्रहण की गई ऊर्जा सदैव के लिए संचित नहीं रहती है। उत्पादक द्वारा आबद्ध की गई ऊर्जा या तो उपभोक्ता को भंज दी जाती है या जीव मृत हो जाती है। एक जीव की मृत्यु अपरत खाद्य श्रृंखला जाल की शुरुआत होती है। सभी जीव अपनी आहार आवश्यकता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं, अतः इन्हें उपभोक्ता तथा परपोषित भी कहा जाता है। और यदि वे उत्पादक पादपों से आहार पूर्ति करते हैं, तब उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। और अगर एक पशु दूसरे पशु वे पशु जो पेड़ों को या उसके उत्पाद को खाता है उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर और द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप तृतीयक उपभोक्ता यानी कि टर्शरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं। निश्चित ही प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी या शाकभक्षी यानी कि वेजिटेरियन है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में कुछ सामान्य शाकाहारी कीट पतंगे पक्षी तथा स्तनधारी पशु तथा जलीय पारिस्थितिक तंत्र में मृदक कवची यानी मॉलस्क होते हैं। वे उपभोक्ता जो शाकाहारी जीवों से आहार पूर्ति करते हैं वे मांसाहारी या मांसभक्षी होते हैं, तथा इन्हें प्राथमिक मांसभक्षी का कहना अधिक उपयुक्त होगा। यद्यपि द्वितीयक उपभोक्ता वे पशु जो आहार हेतु प्राथमिक मांसभक्षियों पर निर्भर करते हैं उन्हें द्वितीयक मांसभक्षी के रूप में नामित किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं एक खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन दिखाई गई है। प्रोडक्टिविटी आपका जो प्रोड्यूसर्स हैं एंड देन आफ्टर आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हुए एंड देन आफ्टर आपके सेकेंडरी कंज्यूमर मनुष्य।
एक अन्य प्रकार की खाद्य श्रृंखला को अपरत खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, डेट्रिटस फूड चेन जिसे कहते हैं, जो मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होती है। यह अपघटकों से बनी होती है जो कि मुख्यतः कवक एवं बैक्टीरिया के रूप में परपोषित जीव होते हैं। यह मृत कार्बनिक सामग्री या अपरदों के खंडन द्वारा अपेक्षित ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करते हैं। इन्हें मृतपोषी या पूर्ति जीवी के नाम से भी जाना जाता है। अपघटक पाचक एंजाइम्स स्रावित करते हैं जो मृतजीवों तथा व्यर्थ सामग्री को साधारण अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ डालते हैं जो बाद में उन्हीं के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जलीय पारितंत्र में चारण खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन है। इसके विरुद्ध स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में GAFC की तुलना में अपरत खाद्य श्रृंखला द्वारा कहीं अधिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। कुछ स्तरों पर अपरत खाद्य श्रृंखला को चारण खाद्य श्रृंखला से जोड़ा जा सकता है। अपरत खाद्य श्रृंखला के कुछ जीव चारण खाद्य श्रृंखला पशुओं के शिकार बन जाते हैं और एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में कुछ जीव जंतु जैसे कॉकरोच एवं कौवे आदि सर्वभक्षी यानी कि ओमनीवर्स होते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं का यह प्राकृतिक अंतर संबंध एक आहार जाल यानी फूड वेब का निर्माण करता है। आहार पूर्ति संबंधों के अनुसार सभी जीवों का प्राकृतिक वातावरण या एक समुदाय में अन्य जीवों के साथ एक स्थान होता है। सभी जीव अपने पोषण या आहार के स्रोत के आधार पर आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं जिसे ट्रॉफिक लेवल पोषण स्तर के नाम से जाना जाता है। उत्पादक प्रथम पोषण स्तर पर आते हैं, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता दूसरे एवं मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषण स्तर से संबद्ध होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं प्रोड्यूसर्स आपके प्लांट्स हैं, देन आफ्टर प्राइमरी कंज्यूमर्स आपके ऑल वेजिटेरियंस वन हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर में आपके मांसाहारी आते हैं एंड टर्शरी और देन आफ्टर क्वार्टरनरी में आपके उच्च मांसाहारी यानी मनुष्य शेर आते हैं। यहाँ पर आप इनके सबके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तरोत्तर पोषण स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। जब कोई जीव मरता है तो वह अपरद या मृत जैव मात्रा में बदल जाता है जो अपघटकों के लिए एक ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर जीव अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए निम्न पोषण स्तर पर निर्भर रहता है। एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर का जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है जिसे स्थित शस्य या खड़ी फसल कहा जाता है। स्थित शस्य को जीवित जैविक की मात्रा या जैव मात्रा या इकाई क्षेत्र में संख्या से मापा जाता है। एक प्रजाति की जैव मात्रा को ताजे या शुष्क भार के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक जैव मात्रा का मापन शुष्क भार के शब्दों में किया जाए तो वह अधिक विशुद्ध होगा। क्यों? चारण खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों की संख्या प्रतिबंधित होती है। इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह स्थानांतरण 10% कम होता है और प्रत्येक निम्न पोषण स्तर से ऊपर का पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा प्रवाहित होती है। यहाँ पर एक एनर्जी का 10% लॉ होता है जिसमें हर एक लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है और ये लॉ उसी पे ही बेस्ड है, उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। प्रकृति में यह संभव है कि कई स्तर हों, जैसे कि चरण खाद्य श्रृंखला में उत्पादक शाकभक्षी, प्राथमिक मांसभक्षी, द्वितीयक मांसभक्षी आदि 14.3 चित्र में आपने देखा। क्या आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार अपरत खाद्य श्रृंखला की कोई सीमा है? यहाँ पे देखिए आप 14.3 विभिन्न पोषण स्तरों में होता हुआ ऊर्जा का प्रवाह, तो हर एक लेवल पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर सूर्य से कुछ तो ऊष्मा चली गई हीट में और कुछ प्लांट्स ने ली, देन आफ्टर फिर अगेन कुछ हीट के रूप में रिलीज़ हो गई एंड बाकी की नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफ़र हुई। और यहाँ पे हीट के रिलीज़ होने के साथ साथ कुछ एनर्जी जो होती है वो जो भी ऑर्गेनिज़म है वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पे यूटिलाइज़ कर लेता है, जो उसकी डेली की एक्टिविटीज़ हैं, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, इन सब में वो यूज़ कर लेता है और बाकी की जो नेक्स्ट 10% होती है वो आपके अगले लेवल पर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो यहाँ पर आप क्वार्टरनरी तक देख सकते हैं, सर्वोपरि मांसाहारी तक। 14.5 पारिस्थितिक पिरामिड सूची स्तंभ। आप पिरामिड के आकार से निश्चित ही परिचित होंगे। पिरामिड का आधार चौड़ा यानी विस्तृत एवं शिखाग्र की ओर सकरा हो जाता है। विभिन्न पोषण रीतियों पर जीवों के बीच चाहे आप एक खाद्य या ऊर्जा संबंध जोड़ें तो आपको पिरामिड के समान आकार मिलेगा। इस संबंध को संख्या, जैव मात्रा या ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक पिरामिड के आधार का प्रतिनिधित्व उत्पादक या पहली पोषण स्तर करता है, जबकि शिखर का प्रतिनिधित्व तृतीयक पोषण स्तर या सर्वोच्च उपभोक्ता करता है। तीन पारिस्थितिक पिरामिड जिनका आम तौर पर अध्ययन किया जाता है वह हैं संख्या का पिरामिड, जैव मात्रा का पिरामिड एंड ऊर्जा का पिरामिड।
विस्तृत जानकारी के लिए हम अभी चित्र देखेंगे। ऊर्जा मात्रा या अंश, जैव मात्रा या संख्याओं की किसी भी गणना में पोषण स्तर के सभी जीवों को शामिल किया जाना चाहिए। यदि हम किसी पोषण स्तर के कुछ व्यष्टियों को ही गणना में लेते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कोई भी व्यापकीकरण सत्य नहीं होगा। इसके साथ ही एक प्रदत्त जीव एक ही समय से एक से अधिक पोषण रीतियों में अधिष्ठित हो जाएगा। हमें यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि पोषण स्तर एक क्रियात्मक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है और न किसी प्रजाति का। एक प्रदत्त प्रजाति एक ही समय पर एक ही पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण रीतियों में अधिष्ठित हो सकती है। उदाहरण के लिए गौरैया जब बीज, फल या मटर खाती है तो वह प्राथमिक उपभोक्ता है, किंतु जब वह कीट और केचुओं को खाती है तो वह द्वितीय उपभोक्ता हो जाती है। क्या आप ये विवरण दे सकते हैं कि एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य कितनी पोषण रीतियों का प्रयोग कर सकता है या फिर करता है? अधिकतर पारिस्थितिक तंत्रों में संख्याओं, ऊर्जा एवं जैव मात्रा के सभी पिरामिड आधार के ऊपर की ओर होते हैं, अर्थात शाकाहारियों की अपेक्षा उत्पादकों की संख्या जैव मात्रा अधिक होती है। इसी तरह से शाकाहारियों की संख्या एवं जैव मात्रा मांसाहारियों की अपेक्षा अधिक होती है। इसी प्रकार से निम्न पोषण स्तर में ऊर्जा की मात्रा ऊपरी पोषण स्तर से अधिक होती है। इस व्यापकीकरण में कुछ अपवाद हैं। यदि आप एक बड़े वृक्ष पर आहार प्राप्त करने वाले कीटों की संख्या की गणना करें तो आपको कैसा पिरामिड प्राप्त हो सकता है? अब उसमें उन छोटे कीटों पर निर्भर छोटे पक्षियों की गणना करें। इसके साथ ही कीट भक्षी पक्षियों पर निर्भर बड़े पक्षियों की गणना करें। अब आप प्राप्त आंकड़ों का चित्र बनाएं। समुद्र में जैव मात्रा यानी कि भार यानी पिरामिड ऑफ मास भी प्रायः उल्टे होते हैं, क्योंकि मछलियों की जैव मात्रा पादप प्लवकों की जैव मात्रा से बहुत अधिक होती है। क्या एक विरोधाभास नहीं है? आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि जब ऊर्जा किसी विशेष पोषण स्तर से अग्र पोषण स्तर में पहुंचती है तो हर स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा पिरामिड का प्रत्येक स्तंभ उस पोषण स्तर में किसी विशेष समय पर अथवा प्रति इकाई क्षेत्र वार्षिक ऊर्जा का द्योतक है। यद्यपि पारिस्थितिकी पिरामिड की कुछ सीमाएँ हैं, जैसे कि पिरामिड में कुछ जातियों का समावेश भी होता है जो कि दो या अधिक भोजन स्तरों से संबंधित हो सकता है। इसमें एक साधारण आहार श्रृंखला बनती है जो कि प्रकृति में विद्यमान नहीं होती। इसमें आहार जाल का समावेश नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाने के अतिरिक्त मृत जीवियों को पारिस्थितिकी पिरामिड का में कोई स्थान प्राप्त नहीं है। अब आइए मैं आपको सारे पिरामिड्स दिखाती हूँ। यहाँ पर आपका आ है एक घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड। लगभग 6 मिलियन पादपों के उत्पादन पर आधारित पारिस्थितिकी तंत्र में समर्थित केवल 3 मांसाहारी जीव हैं, देख सकते हैं। दूसरा है आपका बा, एक जैव मात्रा का पिरामिड शीर्ष पोषण स्तर पर एक तीव्र गिरावट को दर्शाता है, एक दलदली पारिस्थितिकी तंत्र के आंकड़े से बना हुआ। सा है आपका जैव मात्रा का उल्टा पिरामिड, प्राणी प्लवक की व्यापक खड़ी फसल को समर्थित करती पादप प्लवक की छोटी खड़ी फसल। और आपका जो दा है वो है आपका ऊर्जा का आदर्श पिरामिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से हर एक लेवल पे एनर्जी धीरे धीरे जाकर के ऊर्जा कम होती गई है। 14.6 पारिस्थितिकी अनुक्रमण। आपने अध्याय 13 में समष्टि और समुदाय के लक्षणों और पर्यावरण में उनकी अनुक्रिया तथा किस प्रकार ये अनुक्रियाएं एक व्यक्तिक अनुक्रिया से भिन्न है का अध्ययन किया होगा। चलो हम समय के साथ सामुदायिक अनुक्रिया के अन्य पहलुओं पर विचार करें। सभी समुदायों का महत्वपूर्ण लक्षण पर्यावरण के बदलते स्वरूप के साथ इसके संगठन एवं संरचना में निरंतर परिवर्तन होते रहना है। यह परिवर्तन क्रमबद्ध और भौतिक पर्यावरण के परिवर्तन के समांतर होता है। अंततः यह परिवर्तन एक समुदाय को गठित करता है जो कि पर्यावरण के से संतुलन के नज़दीक है और इसे चरम समुदाय कहा जाता है। एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आंकलित परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। अनुक्रमण के दौरान कुछ प्रजातियां एक क्षेत्र में नई बस्ती बसा लेती हैं और जिनकी संख्या अनगिनत हो जाती है, जबकि दूसरी प्रजातियों की जनसंख्या घटती चली जाती है और यहां तक कि अदृश्य हो जाती है। समुदाय का संपूर्ण क्रम जो दिए गए हुए क्षेत्र में सफलतापूर्वक परिवर्तित होता है उसे क्रमक कहते हैं। विशेष परिवर्तनशील समुदायों को क्रमकीय चरण या क्रमकीय समुदाय कहा जाता है। अनुक्रमकीय क्रम की चरणों में जीवों की प्रजातियों की भिन्नता, जीव और प्रजातियों की जनसंख्या वृद्धि, साथ ही संपूर्ण जैव मात्रा में वृद्धि जैसे परिवर्तन होते हैं। संसार के निर्वर्तमान समुदाय धरती पर जीवोत्पत्ति के पश्चात लाखों वर्षों के अनुक्रमण के फल स्वरूप उत्पन्न हुए हैं। वास्तव में अनुक्रमण एवं विकास उस समय समांतर प्रतिक्रियाएँ थीं। अतः अनुक्रमण एक प्रक्रिया है जो वहाँ शुरू होती है जहाँ कोई सजीव नहीं होते अथवा कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ कभी कोई सजीव नहीं रहा हो, उदाहरण के लिए नग्न पत्थर, या फिर ऐसा क्षेत्र जहाँ के सभी जीव जो कभी वहाँ रहते थे किसी प्रकार से नष्ट या फिर लुप्त हो गए हैं।
पहले को प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं जबकि दूसरे को द्वितीयक अनुक्रमण के रूप में जाना जाता है। प्राथमिक अनुक्रमण पाए जाने वाले क्षेत्रों का अनुक्रम है, तुरंत या ठंडा लावा, नग्न पत्थर, नव विकसित तालाब या जलाशय। नए जीवी समुदाय की संस्थापना सामान्यतः धीमी होती है। विविध जीवित जीवों के जीवी समुदाय की संस्थापना से पूर्व वहाँ उपजाऊ मिट्टी अवश्य होनी चाहिए। अधिकतर जलवायु की निर्भरता के आधार पर प्राकृतिक रूप से उपजाऊ मिट्टी के उत्पादन में कई सौ से कई हजार वर्ष लग जाते हैं। द्वितीयक अनुक्रमण ऐसे क्षेत्र से प्रारंभ होता है जहां प्राकृतिक जीवी समुदाय निरस्त हो गए हैं, जैसे कि पूरी तरह से छोड़ी गई कृषि योग्य भूमि, जले या कटे वन, बाढ़ से प्रभावित जमीन, जबकि कुछ मिट्टी या अवसाद इनमें उपस्थित रहते हैं। अनुक्रमण की क्रिया प्राथमिक अनुक्रमण की अपेक्षा तेज होती है। साधारणतया पारिस्थितिकी अनुक्रमण का विवरण वानस्पतिक परिवर्तन पर केंद्रित होता है, जबकि बाद में यह वानस्पतिक परिवर्तन विभिन्न प्रकार के जानवरों के खाद्य और शरण स्थल पर प्रभाव डालते हैं। अतः जैसे जैसे अनुक्रमण बढ़ता है, जानवरों के प्रकार एवं संख्या तथा अपघटक भी बदलते हैं। किसी भी समय प्राथमिक अथवा द्वितीयक अनुक्रमण को प्राकृतिक अथवा मानव जनित यानी विघ्न बाधाओं जैसे आग, जंगलों का काटना इत्यादि द्वारा क्रमिक अवस्था को प्राथमिक अवस्था में बदला जा सकता है। इन बाधाओं में ऐसी नई स्थितियां अवस्थाएं पैदा हो जाती हैं जिनसे नई जातियों को प्रोत्साहन मिलता है तथा अन्य जातियां हतोत्साहित हो जाती हैं अथवा निष्कासित हो जाती हैं। 14.6.1 पादपों का अनुक्रमण। आवास की प्रकृति के आधार पर चाहे वह पानी हो या बहुत गीला क्षेत्र अथवा बहुत शुष्क क्षेत्र, पौधों के इस अनुक्रमण को क्रमशः जलारंभी एवं शुष्कतारंभी कहते हैं। जलारंभी अनुक्रमण जलमग्न क्षेत्रों में होता है और अनुक्रमण श्रेणी हाइड्रिक से समाधिक परिस्थिति की ओर अग्रसित होती है। इसके विपरीत शुष्कतारंभी अनुक्रमण शुष्क क्षेत्रों में होता है और यह श्रेणी शुष्कता से समाधिक परिस्थिति की ओर बढ़ता है। अतः जलारंभी एवं शुष्कतारंभी दोनों की अनुक्रमण मध्यम जल परिस्थिति ना तो बहुत शुष्क और ना ही बहुत जलीय। वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है उन्हें मूल अन्वेषक प्रजाति कहा जाता है। प्रायः लाइकेन चट्टानों पर प्राथमिक अनुक्रमण करते हैं जो चट्टानों को पिघलाने के लिए अम्ल का स्त्राव करते हैं तथा अपरदन एवं मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। बाद में बहुत छोटे पौधे जैसे ब्रायोफाइट्स के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं जो मृदा की कम मात्रा में भी अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम है। समय के साथ उनका स्थान बड़े पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अंततः कई चरणों के बाद एक स्थिर चरमावस्था पर वन समुदाय का निर्माण होता है। जब तक पर्यावरण नहीं बदलता, चरम सीमा समुदाय स्थिर रहता है। समय के साथ मरुस्थलीय आवास मौद्भिदीय में परिवर्तित हो जाते हैं। जल में प्राथमिक अनुक्रमण में लघु पादप प्लवक मूल अन्वेषक होते हैं। ये क्रमशः जड़ वाले निमग्न पादप, जड़ वाले प्लावी पादप एवं मुक्त प्लावी पादप के पश्चात दलदली नरकुल, दलदली घास, झाड़ी एवं अंततः पेड़ों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं। अंततः वन ही पुनः चरम सीमा समुदाय होंगे। समय के साथ जलकाय स्थली तंत्र में परिवर्तित हो जाती है। द्वितीयक अनुक्रमण में प्रजाति का आक्रमण, मृदा की स्थिति, जल की उपलब्धता, पर्यावरण तथा बीज या अन्य उपस्थित प्रवर्ध्य पर निर्भर करती है। यद्यपि पहले से मृदा विद्यमान है, यह अनुक्रमण दर बहुत तेज होती है और चरमावस्था तेजी से प्राप्त हो जाती है। समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अनुक्रमण, विशेष रूप से प्राथमिक अनुक्रमण, एक बहुत धीमी प्रक्रिया है जो चरमावस्था तक पहुंचने में शायद हजारों वर्ष लगाए। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह समझना है कि सभी अनुक्रमण चाहे पानी में हो या भूमि पर एक ही प्रकार से चरम समुदाय मिज़िक की ओर अग्रसर होता है। 14.7 पोषक चक्रण। आपने कक्षा 11 में पढ़ा था कि जीवों को लगातार वृद्धि, प्रजनन एवं विभिन्न कायिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए लगातार पोषकों के संभरण की आवश्यकता होती है। मृदा में विद्यमान पोषकों की मात्रा जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम आदि को स्थायी अवस्था के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के पारितंत्र में भिन्न होती है और साथ ही मौसम पर आधारित होती है। यह समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि पारितंत्र से सभी पोषक कभी समाप्त नहीं होते हैं। ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं एवं अनंत काल तक चलते रहते हैं। एक पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को पोषक चक्र कहा जाता है। पोषक चक्र का एक अन्य नाम जैव भू रसायन चक्र, जैव सजीव जीवन, भू चट्टाने, हवा पानी है। पोषक चक्र दो प्रकार के होते हैं, गैसीय व अवसादी या तलछटी। गैसी प्रकार के पोषक चक्र जैसे नाइट्रोजन, कार्बन चक्र के भंडार वायुमंडल में विद्यमान होते हैं तथा अवसादी चक्र जैसे सल्फर एवं फास्फोरस चक्र के भंडार के पटल
में स्थित होते हैं। पर्यावरणीय घटक जैसे कि मृदा, मिट्टी, आर्द्रता, पीएच, ताप आदि वायुमंडल में पोषकों के मुक्त होने की दर तय करते हैं। एक भंडार की क्रियाशीलता कमी को पूरा करने के लिए होती है, जो कि अंतर्वाह एवं बहिर्वाह की दर को असंतुलन के कारण संपन्न होती है। आपने क्लास 11th में नाइट्रोजन चक्र का विस्तृत अध्ययन किया था। यहाँ पर हम आपको कार्बन तथा फॉस्फोरस चक्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, कार्बन साइकिल आपकी दिख रही है, और इससे पहले के चित्र मैं आपको दिखा दे रही हूँ फॉरेस्ट और सारी जगह अलग अलग जगह के हैं, किस तरह से दिखते हैं देख लीजिए। फोर्टीन पॉइंट सेवन पॉइंट वन पारितंत्र कार्बन चक्र। जब आप सजीवों की संरचना का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि जीवों के शुष्क भार का 49% भाग कार्बन से बना होता है तथा जल के पश्चात यही आता है। यदि हम भूमंडलीय कार्बन की पूर्ण मात्रा की ओर ध्यान दें तब हम देखेंगे कि समुद्र में 71% कार्बन विलेय के रूप में विद्यमान है। यह सागरीय कार्बन भंडार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियमित करता है। क्या आप जानते हैं कि कुल भूमंडलीय कार्बन का केवल 1% भाग वायुमंडल में समाहित है? जीवाश्मी ईंधन भी कार्बन के एक भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। कार्बन चक्र वायुमंडल, सागर तथा जीवित एवं मृत जीवों द्वारा संपन्न होता है। एक अनुमान के अनुसार जैवमंडल में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रतिवर्ष 4×10⁻³ किलोग्राम कार्बन का स्थिरीकरण होता है। एक महत्वपूर्ण कार्बन की मात्रा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के श्वसन क्रिया के माध्यम से वायुमंडल में वापस आती है। इसके साथ ही भूमि एवं सागरों के कचरा सामग्री एवं मृत कार्बनिक सामग्री के अघटन प्रक्रियाओं के द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड की काफ़ी मात्रा अपघटकों द्वारा छोड़ी जाती है। यौगिकीकृत कार्बन की कुछ मात्रा अवसादों में नष्ट हो जाती है और संचरण द्वारा निकाली जाती है। लकड़ी के जलाने, जंगलों की आग एवं जीवाश्मी ईंधन के जलने के कारण कार्बनिक सामग्री, ज्वालामुखी क्रियाओं आदि अतिरिक्त स्रोतों द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त किया जाता है। कार्बन चक्र में मानवीय क्रियाकलापों का महत्वपूर्ण प्रभाव है। तेजी से जंगलों का विनाश तथा परिवहन एवं ऊर्जा के लिए जीवाश्मी ईंधनों को जलाने आदि से महत्वपूर्ण रूप में से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करने की दर बढ़ी है। 14.7.2 पारितंत्र फॉस्फोरस चक्र। फॉस्फोरस जैविक झिल्लियों, न्यूक्लिक एसिड तथा कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली का एक प्रमुख घटक है। अनेक प्राणियों को अपने कवच, अवस्थियां एवं दांत आदि बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। फॉस्फोरस का प्राकृतिक भंडारण चट्टानों में है, जो फॉस्फेट के रूप में फॉस्फोरस को संचित किए हुए हैं। जब चट्टानों का अपक्षय होता है तो थोड़ी मात्रा में फॉस्फेट भूमि के विलयन में घुल जाते हैं। फॉस्फोरस का प्राकृतिक भंडारण चट्टानों में है, जो कि फॉस्फेट के रूप में फॉस्फोरस को संचित किए हुए हैं। जबकि चट्टानों का अपक्षय होता है तो थोड़ी मात्रा में फॉस्फेट भूमि के विलयन में घुल जाते हैं और उन्हें पादपों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। शाकाहारी और अन्य जानवर इन तत्वों को पादपों से ग्रहण करते हैं। कचरा उत्पादों एवं मृत जीवों को फॉस्फोरस विलेयक जीवाणुओं द्वारा अपघटित करने पर फॉस्फोरस मुक्त किया जाता है। कार्बन चक्र की भांति पर्यावरण में फॉस्फोरस को श्वसन द्वारा अवमुक्त नहीं किया जाता है। क्या आप कार्बन चक्र एवं फॉस्फोरस चक्र के बीच कुछ विभेदों का पता कर सकते हैं? यहाँ पर फॉस्फोरस एवं कार्बन चक्र के बीच दो व्यापक अंतर हैं। पहला, बरसात के द्वारा वायुमंडल में फॉस्फोरस का निवेश कार्बन निवेश की अपेक्षा बहुत कम होता है। दूसरा, जीवों और पर्यावरण के बीच फॉस्फोरस का गैसीय विनिमय बिल्कुल नगण्य होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में फॉस्फोरस चक्र का सरलीकृत मॉडल। 14.8 पारितंत्र सेवाएं। एक स्वस्थ पारितंत्र आर्थिक, पर्यावरणीय और सौंदर्यात्मक वस्तुएं एवं सेवाओं के विस्तृत परिसर का आधार है। पारितंत्र प्रक्रिया के उत्पादों को पारितंत्र सेवाएं के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए, एक स्वस्थ वन पारितंत्र की भूमिका वायु एवं जल को शुद्ध बनाना, सूखा एवं बाढ़ों को घटाना, पोषकों को चक्रित करना, भूमि को उर्वर बनाना, जंगली जीवों को आवास उपलब्ध कराना, जैव विविधता को बनाए रखना, फसलों का परागण करने में सहायता करना, कार्बन के लिए भंडारण स्थल उपलब्ध कराना और साथ ही सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य प्रदान करना आदि है। यद्यपि जैव विविधता की इन सेवाओं का मूल्यांकन करना एक कठिन कार्य है, परंतु यह मानना उपयुक्त है कि जैव विविधता को एक ऊंची कीमत की पर्ची प्रदान की जानी चाहिए। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एवं उनके साथियों ने हाल ही में प्रकृति के जीवन समर्थक आधारीय सेवाओं की एक कीमत निर्धारित करने का प्रयास किया है। शोधकर्ताओं ने इस मूलभूत पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं की एक वर्ष की कीमत औसतन 33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तय की है, जिसे व्यापक तौर पर अनुदत्त भाव या लापरवाही से लिया जाता है क्योंकि यह मुफ्त में प्राप्त है।
यह मूल्य वैश्विक सकल उत्पाद GNP की कीमत का लगभग 3 गुना ज़्यादा है, जो कि 18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। विभिन्न पारितंत्र सेवाओं की कुल लागत में से 50% केवल मृदा संरचना भूमि गठन के लिए, जबकि शेष सेवाएं जैसे कि पोषक चक्रण तथा मनोरंजन आदि प्रत्येक 10% से कम भागीदारी रखती हैं। वन्य जीवन के लिए जलवायु नियमन तथा वास की लागत प्रत्येक के लिए 6% है। सारांश, पारितंत्र प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई है, उसमें निर्जीव एवं सजीव घटक समाहित हैं। अजीवीय घटकों के अंतर्गत अकार्बनिक सामग्री जैसे हवा, पानी एवं मिट्टी, जबकि सजीव घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक आते हैं। प्रत्येक पारितंत्र की एक विशिष्ट भौतिक संरचना होती है, जो निर्जीव एवं सजीवों के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम है। एक पारितंत्र की 2 महत्वपूर्ण विशिष्टताएं प्रजाति संगठन एवं स्तर विन्यास होती है। सभी जीवों का पारितंत्र में अपना पोषण स्रोत के आधार पर एक स्थान निश्चित होता है। उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह तथा पोषक चक्र का एक पारितंत्र की 4 महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। प्राथमिक उत्पादकता, उत्पादक की जैव मात्रा, उत्पादन और सौर ऊर्जा की ग्रहण की दर होती है। इसके 2 प्रकार हैं, ग्रॉस प्राथमिक उत्पादकता तथा नेट प्राथमिक उत्पादकता। जैविक पदार्थ की कुल उत्पादकता या सौर ऊर्जा संग्रहण की दर को ग्रॉस प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। इसके साथ ही उत्पादकता के उपयोग के पश्चात शेष बची जैव मात्रा या ऊर्जा को नेट प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। द्वितीयक उत्पादकता यानी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी उपभोक्ता द्वारा खाद्य ऊर्जा के सर्वांगीकरण की दर होती है। अपघटन में अपरत के जटिल कार्बनिक घटकों को अपघटकों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा कार्बनिक पोषकों में द्वारा बदला जाता है। अपघटन में 3 प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जो कि मुख्यतः अपरदों का खंडन, निक्षालन एवं अपचय है। ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है, पहले पादप सौर ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, इसके बाद आहार उत्पादक से अपघटक को स्थानांतरित किया जाता है। प्रकृति में भिन्न पोषण स्तर के जीव आहार या ऊर्जा संबंधों हेतु एक दूसरे से परस्पर जुड़कर खाद्य श्रृंखला को गठन करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता एवं भंडारण को पोषण चक्र कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा पोषकों का बार बार उपयोग होता है। पोषक चक्र 2 प्रकार के होते हैं, गैसीय एवं अवसादी। गैसीय प्रकार के चक्र कार्बन हेतु भंडार वायुमंडल या जलमंडल होता है, जबकि पृथ्वी की पटल यानी पपड़ी अवसादी प्रकार है, फॉस्फोरक पोषक का भंडार होती है। पारितंत्रीय प्रक्रिया के उत्पादों के पारितंत्र सेवा का नाम दिया गया है, जैसे कि जंगलों द्वारा वायु एवं जल का शुद्धिकरण। जैविक समुदाय गतिक है और बीते समय के साथ परिवर्तित होता है। ये परिवर्तन क्रमशः अनुक्रमित है और पारिस्थितिकी अनुक्रमण की संरचना करते हैं। अनुक्रमण का प्रारंभ पायनियर जाति द्वारा खाली जैव विहीन क्षेत्रों पर प्रवेश के साथ होता है, जो बाद में उनके उत्तराधिकारियों का मार्ग प्रशस्त करती है, और अंततः एक अचल चरम समुदाय का निर्माण होता है। चरम समुदाय पर्यावरण के अपरिवर्तित होने तक स्थिर रहता है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कम्प्लीट हो गया। आपके इस चैप्टर की ऑडियो बुक आपकी एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो बच्चों, मुझे बताइएगा कि आप लोगों की ऑडियो बुक कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और डेली आकर के ऑडियो बुक सुनते हैं, तो भाई अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और उसके लिए आपको बेल आइकन ऑन करना होगा, और इसको लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये ऑडियो बुक्स आपके रिविज़न के लिए हेल्पफुल हैं, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एवरीवन, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय बाय।